उदयपुर के गोकुंदा में आदमखोर लेपर्ड को मारने के लिए हैदराबाद से शूटर को बुलाया गया है। इसके साथ ही राजस्थान के 12 अन्य शूटर्स भी लेपर्ड की खोज में जुटे हैं। वन विभाग ने लेपर्ड को देखते ही गोली मारने के निर्देश दिए हैं। गोकुंदा के गांव में एक के बाद एक हुए आदमखोर लेपर्ड के हमले से पूरा इलाका खौफ में है। पिछले 24 दिनों में 8 लोगों की जान जा चुकी है। तेंदुए ने 1 अक्टूबर को गोकुंदा के केलेवो का खेड़ा गांव में घर के बाहर काम कर रही महिला को मार डाला था। इन हमलों के बाद राजस्थान वन्य जीव प्रभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय की ओर से लेपर्ड को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए थे। इसके लिए पूरे एरिया में करीब 12 शूटर पहले ही तैनात कर दिए गए थे। बुधवार को हैदराबाद के शूटर नवाब शाफत अली खान गोकुंदा पहुंचे। उन्होंने राठौड़ों का गुड़ा गांव के स्कूल में CCF सुनील छिद्री और DFO अजय चित्तौड़ा से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे बाद शूटर टीम के साथ जंगल के लिए निकले। गौरतलब है कि पिछले 12 दिनों में आदमखोर पैंथर ने 8 लोगों की जान ले ली है। उदयपुर के गोकुंदा से हमारे संवाददाता चेतन कुमार की एक खास रिपोर्ट। अभी तो देखिए वन विभाग की टीम बहुत प्रयास कर रही है, सारे DFO सीनियर ऑफिसर मौके पे हैं। अभी मैं आज ही आया हूँ, सब चीज हम लोग देखेंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे।